हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक, जिसका हमारा नाम है कॉमन डायलॉग कंट्रोल। तो आइए रिवाइज करते हैं हम कॉमन डायलॉग कंट्रोल के बारे में। सो द कॉमन डायलॉग्स आर ऑल पार्ट ऑफ वन कंट्रोल, यानी कि अगर हम बात करें कॉमन डायलॉग की, तो यह अपने पास रखता है उन सारे पार्ट्स को एक कंट्रोल के, जो कि हमारे कॉमन डायलॉग कंट्रोल में आते हैं यू ऐड दैट कंट्रोल टू प्रोग्राम, आप ऐड कर सकते हैं इस कंट्रोल को प्रोग्राम में विद अ विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट कंपोनेंट मेन्यू आइटम, यानी कि आप ऐड कर सकते हैं इस कंट्रोल को प्रोग्राम में विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट कंपोनेंट मेन्यू आइटम के हेल्प से, क्लिक द कंट्रोल टैब्स इन द कंपोनेंट बॉक्स। फिर आप क्या करते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल टैब पर कंपोनेंट बॉक्स में, जो कि दैट ओपन्स एंड सेलेक्ट द एंट्री लेवल, जो कि ओपन करता है और सेलेक्ट करता है एंट्री लेवल को। अब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन कंट्रोल द क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द कंपोनेंट बॉक्स। अब जिस तरीके से अगर हम बात करें कि हमें ऐड करना है कंट्रोल को, तो हम किस तरीके से ऐड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है, विजुअल बेसिक की जो IDE होती है उसमें टूल बॉक्स पर जाके हमें राइट क्लिक करना होता है। जब हम वहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट का ऑप्शन डिस्प्ले होता है। जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंपोनेंट का ऑप्शन डिस्प्ले होता है और हम उस कंपोनेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आइए इसे हम आगे जो है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसे शॉर्ट में डिस्कस कराया कि हम कंपोनेंट बॉक्स पर क्लिक करते हैं, देन हमारे साथ वहाँ जब कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल का द क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं और देन क्लोज द कंपोनेंट बॉक्स, जिसके बाद हम जो है हमारा कंपोनेंट बॉक्स जो होता है वह क्लोज हो जाता है। ठीक, यू कैन ऐड अ कॉमन डायलॉग कंट्रोल, आप ऐड कर सकते हो कॉमन डायलॉग कंट्रोल को फॉर्म में इन द यूजुअल वे, यानी कि नॉर्मल वे में। यू यूज़ द कंट्रोल एक्शन प्रॉपर्टी, आप यूज कर सकते हो कंट्रोल एक्शन प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने के लिए डायलॉग बॉक्स में, देयर आर सम मेथड ऑफ डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं डायलॉग बॉक्स के लिए। फर्स्ट मेथड है शो ओपन डायलॉग बॉक्स, जो कि शो करता है ओपन करके डायलॉग बॉक्स को। शो सेव डायलॉग बॉक्स, जो कि शो करता है सेव डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन को। शो कलर, जो कि शो करता है कलर डायलॉग बॉक्स को। शो फॉन्ट, जो कि शो करता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को। शो प्रिंटर, जो कि शो करता है प्रिंट और प्रिंट ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स को। शो हेल्प, जो कि इन्वोक करता है विंडो हेल्प इंजन को। ठीक, तो यह कुछ हमारे मेथड्स होते हैं जो कि हम डायलॉग बॉक्सेस में यूज़ करते हैं हाउ टू मेक एंड यूज़ ऑफ कॉमन डायलॉग बॉक्स कंट्रोल इन विजुअल बेसिक, यानी कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं कॉमन डायलॉग बॉक्स को विजुअल बेसिक। सो टू मेक और यूज़ द कॉमन डायलॉग बॉक्स, यानी कि हम बनाते हैं और यूज़ करते हैं कॉमन डायलॉग बॉक्स में को इन विजुअल बेसिक, फॉलो दिस स्टेप्स, यानी कि विजुअल बेसिक में इन स्टेप्स को फॉलो कर कर। सो फर्स्टली राइट क्लिक ऑन द टूल बॉक्स एंड सेलेक्ट कंपोनेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब हमें क्या करना होता है, यानी कि डायलॉग बॉक्स को अपने टूल बॉक्स में अवेलेबल करने के लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ता है, अभी हम डिस्कस करके भी चुके हैं कि हमारे पास विजुअल बेसिक IDE जो होता है, हम उसके टूल बॉक्स में राइट क्लिक करते हैं तो हमें वहाँ पर कंपोनेंट्स का ऑप्शन अवेलेबल होता है इस तरीके से। ठीक, तो हम वहाँ पर कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं, कंपोनेंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आप देखें, आप आफ्टर सेलेक्टिंग द कंपोनेंट ऑप्शन द ऐड कंपोनेंट विंडो विल ओपन। ठीक है, यानी कंपोनेंट विंडो आपके सामने या कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स जो है वह ओपन हो जाएगा। टू ऐड डायलॉग बॉक्स इन द टूल बार, जिसकी हेल्प से आप जो है डायलॉग बॉक्स को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल बार। ठीक,
अब उसके बाद क्या होगा, नाउ सर्च एंड सेलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग बॉक्स ऑप्शन। उसके बाद आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके सामने वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सर्च करोगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग बॉक्स ऑप्शन को, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग बॉक्स ऑप्शन को, और क्लिक ऑन अप्लाई, और आप अप्लाई बटन पर फिर क्लिक करोगे, एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन क्लोज बटन, और उसके बाद आप जो है क्लिक करोगे किस पर, क्लोज बटन पर, उसके बाद आप क्लिक करोगे किस पर, क्लोज बटन पर, देन द न्यू कंपोनेंट विल शो इन द टूल बॉक्स। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ओके बटन पर और अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद, उसके बाद क्या होगा, देन द न्यू कंपोनेंट विल शो इन द टूल बॉक्स। तो आपका जो न्यू कंपोनेंट आपने बनाया विद डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में, द ड्रैग इट टू द यूज इन द फॉर्म, उसको फिर क्या कर सकते हैं आप, जब वो आपकी कंपोनेंट टूल बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा कंपोनेंट, फिर आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एज अ कंट्रोल ऑफ टूल बॉक्स आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्म में, एंड सेलेक्ट कम कमांड बटन टू शो द एप्रोप्रिएट कॉमन डायलॉग बॉक्सेस। और आप फिर क्या कर सकते हो, वहाँ पर कमांड बटन की हेल्प से उस एप्रोप्रिएट डायलॉग बॉक्स का वर्क को डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक, अब सपोज़ कीजिए हमने जो है उसका डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन को अपने टूल बॉक्स में अवेलेबल करा लिया, फिर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पर उसको ले आए। ठीक, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ पर उसको ले आए। अब हम क्या करेंगे, ओपन में, ठीक, अब हम इस ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। अभी हमने जो मेथड्स लिखे थे वो मेथड्स हम इनके थ्रू डिफाइन करेंगे, यानी कि सबसे पहले हमने जो है ओपन मेथड पढ़ा था, शो ओपन मेथड, जो ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। तो हमने क्या करा, प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, यानी कमांड बटन पर हमने क्लिक इवेंट लगाकर cd1.show open cd1 का मतलब कॉमन डायलॉग डॉट शो ओपन देन एंड सब। ठीक, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे ओपन पर तो हमारे पास शो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्राइवेट सब कमांड टू क्लिक, ठीक है, कमांड बटन पर जब हम कमांड टू यानी कि इस कमांड टू पर जब हम क्लिक करेंगे तो cd1 यानी कि कॉमन डायलॉग डॉट शो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, तो हमारे सामने क्या होगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होगा वह हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, देन एंड सब प्रोसीजर, और यहाँ पर सब प्रोसीजर को हमने एंड कर दिया। थर्ड है हमारे पास प्रिंट, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर थर्ड अपना कमांड बटन लिया, प्राइवेट सब कमांड थ्री अंडरस्कोर क्लिक, यानी कि जब हम कमांड बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा cd1 यानी कि कॉमन डायलॉग वन डॉट शो प्रिंटर, ठीक है, शो प्रिंटर की हेल्प से वहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो आपका प्रिंटर डायलॉग बॉक्स है या प्रिंट कमांड डायलॉग बॉक्स है वो आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर एंड सब प्रोसीजर, हमारा सब प्रोसीजर एंड हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा आता है कलर, ठीक है, कलर, अब यहाँ पर शो सेव है, ठीक है, यहाँ पर शो सेव है, तो यहाँ पर अगर हम अगर लिखना भी चाहें तो हम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहाँ पर स्किप हो गया है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा जो फोर्थ प्रिंट तक हमने डिस्कस कर लिया तो हम किस तरीके से लिखेंगे अपना प्राइवेट सब कमांड फोर क्लिक इवेंट पर वर्क कर रहा है, ठीक है, और हम क्या लिखेंगे cd1.showColor एंड सब। ठीक, एंड सब, यहाँ पर क्या होगा, हमारा कलर डायलॉग बॉक्स जो होगा वह ओपन हो जाएगा। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, कलर डायलॉग बॉक्स जो होगा वह ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फाइव पर क्या है, देखिए ये रहा हमारा प्राइवेट सब कमांड फोर क्लिक cd1.showColor, ठीक है, यहाँ पर हमने कलर डायलॉग बॉक्स ओपन कराया। फाइव की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सब कमांड फाइव क्लिक cd1.showSave एंड सब, यानी कि हमारे पास सेव डायलॉग बॉक्स जो होगा वह ओपन हो जाएगा, कब, जब हम इस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे,
जब हम इस कमांड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्राइवेट सब कमांड 6 क्लिक cd1 डॉट शो हेल्प एंड सब, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शो हेल्प सब टाइप हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स होगा वह हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने बात करी वो हमने डायलॉग बॉक्सेस के बारे में बात करी कि हमारा कॉमन डायलॉग कंट्रोल जो होता है उसको हम किस तरीके से अपने फॉर्म में इनेबल करते हैं यूज़ के लिए। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो उसको हम जब यूज़ करते हैं तो हम अपने टूल बॉक्स में विजुअल बेसिक के राइट क्लिक करते हैं, देन हमारे पास कंपोनेंट का एक ऑप्शन आता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। जब हम उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर हम या तो सेलेक्ट करते हैं या सर्च करते हैं किसको, माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल के ऑप्शन को। जब माइक्रोसॉफ्ट कॉमन डायलॉग कंट्रोल के ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उस पर जब क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जैसे ही हम अप्लाई और ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो वह कंपोनेंट डायलॉग बॉक्स जो होता है वह हमारा क्लोज हो जाता है और वह कॉमन कंपोनेंट जो होता है वह हमारे टूल बॉक्स में ऐड हो जाता है। फिर हम उसको अपने टूल बॉक्स में यूज़ के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली कर सकते हैं। जब हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स दे रखे हैं, शो ओपन, शो सेव, शो कलर, शो फॉन्ट, शो प्रिंटर, शो हेल्प। इनको हमने प्रोग्राम के थ्रू समझा है, इनको हमने प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर समझा है कि हमारे पास ये जो हमने मेथड्स हैं इनके नाम से हमने कमांड बटन ले रखे हैं, उनके थ्रू हमने यहाँ पर उनको मेथड्स जो है उन्हें कॉल करके डायलॉग बॉक्सेस को ओपन कराया है। जैसे कि हमारा ओपन है तो ओपन के लिए शो ओपन है, शो फॉन्ट नेक्स्ट मेथड है हमारा, शो प्रिंटर मेथड है, शो कलर मेथड है। इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को कमांड बटन की हेल्प से ओपन कराया है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।